हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा निकॉन D5300 DSLR कैमरे में बर्स्ट मोड कैसे यूज़ करते हैं, उसकी स्पीड कितनी है और उसकी स्पीड किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आपको बताओ, उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है। आपके कैमरे में यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिस पे मल्टीपल फ्रेम्स का एक लोगो बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप उसे दबाते हो आपकी मेन स्क्रीन पर ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। देखिए, अगर आप नॉर्मल मोड पर हो और जैसे यहाँ से आप बटन क्लिक करते हो, आपको ये ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए दिखाई देता है। अब यहाँ पर दिया है कंटिन्यूस एल और कंटिन्यूस एच, ठीक है। कंटिन्यूस एल मतलब वो कंटिन्यूस फोटो क्लिक करेगा लेकिन थोड़ी लो स्पीड पर। कंटिन्यूस एच अगर आप सेलेक्ट करते हो तो वो कंटिन्यूस फोटो क्लिक करेगा थोड़ी हाई स्पीड पर। अब आपको बताओ कि कंटिन्यूस लो की जो अगर आप सिलेक्ट करते हो उसकी स्पीड कितनी है। तो कंटिन्यूस लो अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप इस पर रखकर ओके कीजिए। ये आपका शटर रिलीज बटन है, इसे जब आप हाफ प्रेस करोगे, ये देखिए आपको बताओ, अब यहाँ पर जब इसे आप हाफ प्रेस करते हो और फुल प्रेस करोगे तो ये लो स्पीड पर बर्स्ट मोड एक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने 10 तस्वीरें खींची, ये थोड़ी लो स्पीड पर खींची, आपको घड़ी घड़ी क्लिक नहीं करना। आप एक ही बार दबा कर रखो, वो कंटिन्यूसली फ़ोटो क्लिक करता रहेगा, ठीक है, जिससे आपके शॉट्स मिस नहीं होते। आपके कुछ एक्टिविटी चल रही है और आपको कोई मल्टीपल शॉट्स लेना है एक ही टाइम पर, तो आप बटन दबा के रखिए, वो कैमरा जो है फ़ोटो खींचता रहेगा। अब यही चीज़ अगर आपको हाई स्पीड करनी है, थोड़ी फास्ट करनी है, तो आपको फिर से वो बटन दबाना है, ये वाला, ठीक है। जैसे आप ये बटन दबाओगे आपको ऑप्शन देगा, आपको हाई स्पीड सिलेक्ट करना है यहाँ पर, कंटिन्यूस हाई। अब वापस से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यही चीज़ मैं यहाँ पर ऑटो फोकस किया, ठीक है। अभी मैं दबाऊंगा तो ये थोड़ी स्पीड में होगा, देखिए, देखा आपने, लो से ये काफ़ी फास्ट था। तो इस तरह जो है कंटिन्यूस एल और कंटिन्यूस एच पर रखने पर आपको दो अलग अलग स्पीड्स मिलती है। अभी आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो स्पीड दो चीज़ों पर डिपेंड करती है दोस्तों, सबसे पहली तो आपकी शटर स्पीड। अब ये मैंने देखिए एकदम मैक्सिमम स्पीड आपको बताई और मैंने यहाँ पर शटर स्पीड जो है मैक्सिमम रखा 1:4000, जो इस कैमरे में हाईएस्ट शटर स्पीड है। और इसकी जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी, वो बेसिक रखा है, जिसकी वजह से मुझे कैमरे की जो बेस्ट स्पीड मिली वो ये थी। अभी मैं आपको बताऊंगा, जो शटर स्पीड अगर मैं स्लो कर दूंगा दोस्तों, तो ये जो हाई स्पीड आपको मिली है वो उतनी फास्ट नहीं रहेगी। लो स्पीड तो आपको, लो स्पीड पर अगर आप रखोगे तो आपको ऑलरेडी जो है लो स्पीड मिल रही है, लेकिन अगर हाई स्पीड पर भी अगर आपकी शटर स्पीड स्लो है दोस्तों, तो आपको फास्ट स्पीड नहीं मिलेगी बर्स्ट मोड में। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ दोस्तों, 1:6 सेकेंड पर, ठीक है, ये शटर स्पीड थोड़ी मैंने स्लो कर दी है। अब यही चीज़ मैं देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं आपको बटन दबा के हमने हाई सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो जितनी स्पीड हमें पहले मिली थी उतनी नहीं मिलेगी। ये मैंने फोकस किया और मैं यहाँ से देखिए, मैंने फोकस किया और मैं कंटिन्यूस दबा कर रखूँगा, देखा आपने। तो ये स्लो होने की वजह ये है दोस्तों, क्योंकि जो शटर स्पीड है 1:6 सेकेंड्स, वो उतनी देर तक शटर को खुला रहना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बर्स्ट मोड फास्ट तो हो रहा है लेकिन वो शटर स्पीड की वजह से आपको जो है स्पीड थोड़ी स्लो मिल रही है। तो ये एक ऑप्शन है कि बर्स्ट मोड में भी आपको जो हाई स्पीड पर भी आप हाई स्पीड से फोटोग्राफी नहीं कर पाओगे अगर आपकी शटर स्पीड स्लो है, ठीक है। अगर आपको स्पीड में करना है बर्स्ट मोड, तो आपको ध्यान रहे कि आपकी शटर स्पीड जो है फास्ट रहे। देखिए मैं आपको फिर से हाईएस्ट करके बताता हूँ, चलिए आपको थोड़ी कम करके बता देता हूँ। 1000 के इस पे भी रखेंगे हम, तो देखिए आपको शटर स्पीड, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह हाई स्पीड आपको मिलती है शटर स्पीड के बेस पर। अभी दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर क्वालिटी, जैसे मैंने कहा पिक्चर क्वालिटी, ठीक है, मैं यहाँ पे शटर स्पीड फिर से फुल कर देता हूँ और ये जो पिक्चर क्वालिटी मैंने बेसिक रखी थी वो इसलिए दोस्तों क्योंकि बेसिक एक इमेज को कैमरे को प्रोसेस करने के लिए और अपने मेमोरी कार्ड में राइट करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो फाइल साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो पिक्चर क्वालिटी है ये मैंने बेसिक रखी थी और यहाँ पर जो इमेज साइज है वो मैंने स्मॉल रखा था। अब यही चीज़ अब अगर आपको मैं हाई क्वालिटी रख दूँ, ठीक है, जैसे कि रॉ प्लस फाइन, जो इसमें हाईएस्ट क्वालिटी है, रॉ इमेज बहुत बड़ी होती है और उसके साथ साथ एक जेपेग इमेज भी होती है जो कैमरे को प्रोसेस करना होता है और मेमोरी कार्ड में राइट करना होता है, और साइड बाई साइड इसके यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फाइल इमेज साइज, जो मैं लार्ज कर देता हूँ, 46 MB, ठीक है। अब ये अगर मैंने दो ऑप्शन मैंने हाईएस्ट रख दिए, लार्ज और रॉ एंड जेपेग फाइन,
और भले से मेरी शटर स्पीड फास्ट है, फिर भी जो है मेरा कैमरा उतनी स्पीड पर फोटोग्राफ नहीं ले पाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या मैक्सिमम 6 फोटोग्राफ फास्ट लेगा, उसके बाद कैमरा बहुत स्लो हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने ऑटो फोकस किया, अब मैं बटन दबाने जा रहा हूँ। हमारी जो शूटिंग स्पीड है वो ऑलरेडी हाई पे हमने रखा है। देखिए मैंने हाई पे रखा हूँ, मैंने शटर स्पीड ऑलरेडी फास्ट रखा हूँ जिसमें मुझे फास्ट मिलनी चाहिए, लेकिन जो मेरी पिक्चर क्वालिटी और इमेज साइज मैंने बड़ी रखा हो। अब यहाँ पे मैंने ऑटो फोकस किया, ठीक है, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ 8 9। देखा आपने, शुरू के जो 6 इमेज थी वो उसने बहुत ही स्पीड में किया, उसके बाद ये कैमरा बहुत स्लो हो गया। तो अगर आप बर्स्ट मोड पर अगर ये पिक्चर क्वालिटी जो आपकी ज़्यादा रखोगे, ठीक है, और इमेज फाइल साइज जो है बड़ी रखोगे, तो आपको बर्स्ट मोड पर भी उतनी स्पीड नहीं मिलेगी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, अगर आपको बर्स्ट मोड पर शूटिंग करना है और आपको हाई स्पीड चाहिए, तो दोस्तों ध्यान रखें आपका शटर स्पीड भी हाई हो और पिक्चर क्वालिटी कम हो। इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर कम क्वालिटी आप रखोगे तो आपको जो पिक्चर की क्लैरिटी है वो बहुत कम मिलेगी, उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आप चाहे तो अगर बर्स्ट मोड पर रखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर रॉ सिलेक्ट मत करें, सिर्फ आप जेपेक फाइन या जेपेक नॉर्मल रखें। जेपेक फाइन भी रखोगे तो आपको एक एवरेज स्पीड मिल जाती है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। देखिए जेपेक फाइन रखा है और पिक्चर क्वालिटी जो है आप मीडियम रख दीजिए। ये देखिए इसमें एटलीस्ट आपको थोड़ा स्पीड मिल जाएगा, दिख रहे हैं। तो ये एक एवरेज क्वालिटी है दोस्तों। अगर आप इस मोड पर आपकी फोटोग्राफी बर्स्ट मोड रखोगे तो आपको नॉर्मल क्वालिटीज भी मिलेगी और आपको शूटिंग में हाई स्पीड भी मिल जाएगी। तो ये था बर्स्ट मोड निकॉन D5300 DSLR में। दोस्तों अगर आपको इस ट्यूटोरियल से ज़रा भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।